तो दोस्तों, अभी जो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये कंप्लीट इनसाइट है, खासकर उन लोगों के लिए जो नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं या जस्ट करने वाले हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा, जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूँगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, खास करके उन लोगों के लिए जो कंप्लायंस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है तो आपको एक एंटिटी रजिस्टर करनी ज़रूरी है। अब एंटिटी कितनी कितनी टाइप की हैं, क्या क्या एंटिटीज़ हैं, क्या क्या प्रोसेस है, उस पर एक पूरी प्लेलिस्ट है। वो प्लेलिस्ट आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी और आप एंटिटीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। एंटिटी रजिस्टर होने के बाद आपका सबसे पहला काम होता है कि आपको अपना करंट अकाउंट ओपन करना होता है। जब आपका करंट अकाउंट ओपन हो जाता है, करंट अकाउंट ओपन होने के बाद सेकंड स्टेप होता है कि आप उस करंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स करते हैं। ठीक है, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आपकी, प्रोड्यूसर कंपनी है या कोई भी कंपनी है, तो उस केस में एक एडिशनल कंप्लायंस ये हो जाती है कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करके एक फाइलिंग होती है जो करनी होती है। अगेन, अगर आप ऑलरेडी प्लेलिस्ट पे क्लिक करके एंटिटी टाइप वाले सारे वीडियोस देख चुके हैं तो आपको क्लैरिटी होगी, नहीं है तो जरूर आप एक बार देख लें उसको, उसके बाद आप इस वीडियो पे वापस आ सकते हैं। आपने बैंक अकाउंट ओपन कर लिया, अगर ये कंप्लायंस एप्लीकेबल है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की, ये कर ली, ट्रांजेक्शन्स आप शुरू कर सकते हैं। अगर प्रोप्राइटरशिप है तो फिर ये कमेंसमेंट की कंप्लायंस की जरूरत नहीं है, ट्रांजेक्शन आप करंट अकाउंट ओपन करते ही उसमें कर सकते हैं। अब ट्रांजेक्शन करते हुए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये देखना है कि जो पेमेंट्स आप कर रहे हैं क्या उन पेमेंट्स पे कोई टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है। जैसे अगर आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो आप सैलरी की पेमेंट कर रहे हैं, अगर आपका सैलरीड एम्प्लॉय की पेमेंट आप टैक्स स्लैब से ज्यादा की कर रहे हैं तो टीडीएस काटना जरूरी है। आप किसी प्रोफेशनल को वेबसाइट बनाने के लिए पेमेंट कर रहे हैं, अगर वो एक लिमिट से ज्यादा है तो 194J में उसके टीडीएस डिडक्शन की जरूरत है। आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को कोई पेमेंट कर रहे हैं तो 194C में डिडक्शन की जरूरत है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप पेमेंट जो कर रहे हैं वो किनको कर रहे हैं, क्या उस पर टीडीएस एप्लीकेबिलिटी है नहीं है। दूसरी चीज, जो पेमेंट आप रिसीव कर रहे हैं अपने कस्टमर से, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है जो कि एप्लीकेबल होता है, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, ई कॉमर्स के थ्रू सेल करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो विदाउट एनी लिमिट भी आपको जीएसटी लेना होता है, कोई लिमिट कंसिडरेशन नहीं है इसमें। लेकिन अगर आप सिर्फ विद इन स्टेट काम करते हैं या इंटर स्टेट करते हैं, सर्विसेज दे रहे हैं अप टू 20 लाख तक दे रहे हैं, या आपके गुड्स आप सप्लाई कर रहे हैं तो 40 लाख तक कुछ स्टेट में है, कुछ स्टेट में ये लिमिट 20 लाख तक है, कुछ में 10 लाख तक भी है, तो डिपेंडिंग अपन आप कौन से स्टेट में काम कर रहे हैं, जरूर अपने प्रोफेशनल से चेक कर लें या आप हमसे भी चेक कर सकते हैं इसके बारे में। उसके हिसाब से आपको जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होगी और नंबर लेना होगा। अगर नंबर ले लिया है तो जो आप सेल कर रहे हैं उस पर अप्रोप्रिएट जीएसटी रेट जो 5, 12, 18, 28% कुछ भी इसमें हो सकता है, वो आपको चार्ज करना है। वो चार्ज करने के बाद ही आप जब पेमेंट ले रहे हैं तो आपको एक रिटर्न बना के उसको फाइल करना होता है अगले महीने की 11 तारीख तक GSTR 1 में, या फिर अगर आप QRMPS स्कीम में है तो क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कुछ चीजें आपको जो ध्यान रखनी है इनिशियल फेज में जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं। जब इंप्लॉयज धीरे धीरे ऐड हो जाएं, मान लीजिए 20 से ज्यादा इंप्लॉयज आपके हो गए, तो PFESI की कंप्लायंस भी आपके लिए मैंडेटरी हो जाती है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि टेंडर अप्लाई करते हुए या आपका जो कस्टमर है वो बोलता है कि मैं आपसे सर्विसेज तभी लूंगा जब आपके पास PFESI नंबर होगा, तो उस केस में आपको वॉलेंट्रीली भी PFESI नंबर अप्लाई करना होता है, और वॉलेंट्रीली अप्लाई करने के बाद PFESI की कंप्लायंस आपको उस केस में भी करनी होती है। नाउ कुछ स्टेट्स में ऐसा भी होता है कि आपको प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट भी होती है, लगभग 20-21 स्टेट्स हैं। अगेन, इसकी प्रोफेशनल टैक्स की एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो कौन से स्टेट में आप रजिस्टर्ड है उसके हिसाब से आप चेक कर लें, PT में कैसे रजिस्ट्रेशन लेना है, क्या उसका प्रोसेस है। अगर आपको PT रजिस्ट्रेशन लेना है उसके लिए भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं उसके लिए भी। तो ये हो गई कुछ कंप्लायंसेस, PT की, PFESI की, GST की, TDS की। अब ये जो सारी चीज है, क्योंकि आप बिजनेस करेंगे कंप्लायंस तो आप करेंगे नहीं, तो आपको एक सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत है, तो या तो आप किसी लोकल CA से आप ये हेल्प ले सकते हैं। डेफिनेटली थोड़ा टीडीएस काम होता है, हो सकता है फिजिकली भी आपको ऑफिस विजिट करना पड़े, या किसी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर से ले सकते हैं। अब वो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर हम भी हैं, LegalSuvidha.com, हमारे जैसे और भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो जो आपको ऑथेंटिक लगे, जो आपको लगे कि हाँ ये आपके लिए एक रिलायबल सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है,
उसकी सपोर्ट लेके, हेल्प लेके आप ये सर्विसेज ले सकते हैं, क्योंकि आपका फोकस तो बिजनेस पे होगा, आप इतनी सारी चीजें तो मैनेज नहीं कर पाएंगे, राइट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये सारी कंप्लायंस और ट्रांजेक्शंस जो है ना, ये आपको तभी पता रहेंगी जब मंथली आपका जो बैंक स्टेटमेंट है, एटलीस्ट वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली आप इस प्रोफेशनल को शेयर करते हैं। ये प्रोफेशनल सारी ट्रांजेक्शन की आपकी रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग करता है एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को, और आपका सब कुछ जो फाइनेंसेस है प्रॉपरली मैनेज हो रहे हैं। अब इसका फायदा ये होता है कि लॉन्ग रन में, जैसे आपको कोई बैंक की लिमिट बनवानी है, आपको कोई शॉर्ट टर्म लोन लेना है, टर्म लोन वगैरह, तो उसमें ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट आपकी काम आती है, ठीक है। जो आपने अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करे होंगे, इसके बेसिस पे आपके प्रोजेक्शंस वगैरह बन सकते हैं, बैलेंस शीट, पीएल, प्रोविजनल बन सकती है। ये फायदे हैं आपको अगर आप बिजनेस शुरू कर लिया है आपने, तो ये सब चीजों के लिए आपको तैयार रहना होगा। ये सारा काम अकाउंटिंग और कंप्लायंस में आता है। 7 फंक्शन होते हैं बिजनेस के, मार्केटिंग, सेल, ऑपरेशन, ये 3 तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा रिसर्च है, एचआर है, अकाउंटिंग, कंप्लायंस है, मैनेजमेंट है, ठीक है। ये 7 फंक्शन है, जिसमें से अकाउंटिंग और कंप्लायंस फंक्शन की मैं इस वीडियो में भी बात कर रहा हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, आपकी बिलिंग टाइम से हो, बिलिंग सही हो, टीडीएस सही डिडक्ट हो, अगर कोई जीएसटी है तो प्रॉपरली चार्ज हो, वो टाइम से जमा हो, आपका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो प्रॉपरली मैचिंग हो के आप आईटीसी ले पाए, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। प्लस आपका अगर कोई एडवांस टैक्स है तो क्वार्टरली वो कैलकुलेट करके एडवांस टैक्स जमा होना चाहिए। अब ये सब करेंगे अगर आप प्रॉपरली, तो जब आपका टैक्स ऑडिट होगा या आईटीआर फाइलिंग होगी तो उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द ईयर जो भी ट्रांजेक्शन हुई है वो आपकी ठीक से नहीं हुई है, तो ये आपको हैम्पर करता है आपकी एनुअल कंप्लायंस या एनुअल फाइलिंग्स के टाइम पे, वेदर यू आर अ सोल प्रोप्राइटर और अ एलएलपी और अ पार्टनरशिप और अ कंपनी, ठीक है। तो मैं आपको फिर से एक बार रिकमेंड करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो अभी भी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज व्यूज तो हमारे चैनल पे काफी आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे हैं, है ना। तो उसका क्या नुकसान हो रहा है, हमें मोटिवेशन कम मिल रहा है। अब मोटिवेशन कम मिलेगा तो हम ज्यादा कॉन्टेंट कैसे शेयर कर पाएंगे, है ना। अगर आप ऐसा कॉन्टेंट चाहते हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और अपने कनेक्ट, अपने नेटवर्क में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रॉम टीम लीगल सुविधा।